गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 5 द रॉयल प्ले. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. इन द मीन टाइम द सैंडल ब्रशेस पास्ट ऑफ द किंग्स नोज एंड फेल बियॉन्ड हिम राइट ऑन द हुड ऑफ अ स्नेक एंड दैट हैड क्राउल्ड टू नियर द किंग एंड कुड बाइट हिम एनी इंस्टेंट. अब क्या होता है, जो मंत्री था वो उससे क्या कहता था, प्रीस से, कि उसे जॉब से निकाल दें, कि तुम जब दरबार में जाओ तो अपना सैंडल उतार के राजा के ऊपर फेंकना, जिससे कि तुम्हें यहाँ से वो निकाल देंगे, ये मेरा ऑर्डर है. तब वो ऐसा ही करता है, मानता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया था उस मंत्री से कि जैसा वो कहेगा वो करेगा प्रीस्ट जो है, तो वो ऐसे ही करता है. लेकिन होता क्या है, अपोजिट है. उसका सैंडल उस राजा की गद्दी के पास ही, सीट के पास ही एक स्नेक था, अपना फन फैलाए हुए बैठा था, जो कि जो सैंडल था उसके ऊपर जाके लगता है और वो किसी भी वक्त राजा को काट सकता था, यानी वो राजा को बचा लेता था. स्नेक वाज हर्ट, स्नेक को चोट लग जाती है. रेस्ट ऑफ सेंटिनल्स टुक केयर ऑफ इट. हैविंग ओवरकम द इनिशियल हुपला, एवरी वन प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट एडमायर्ड केशव क्विक रिएक्शन. हर कोई उसकी इतनी जल्दी एक्शन लेने की लेके तारीफ करता है. किंग राजेंद्रा वाज प्लीज्ड हिम बे हिम ही अपॉइंटेड हिम ऑन द पोस्ट ऑफ द रॉयल प्रीस्ट. अब क्या करता है, उसके इस काम से खुश होकर राजा उसे रॉयल प्रीस्ट बना देता है, राज दरबारी जो प्रीस्ट पुजारी था. पोस्ट ऑफ द रॉयल प्रीस्ट हैड बीन लाइंग वैकेंट एवर सिंस द प्रीवियस वन हैड डाइड. रॉयल प्रीस्ट की पोस्ट खाली थी, जिससे पहले कि वहाँ का जो रॉयल प्रीस्ट था वो मर चुका था. विष्णु वाज नॉट. अब विष्णु क्या करता है, वो बड़ा एंग्री होता है. विष्णु वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद वॉट हैपेंड. वो खुश नहीं होता कि ये क्या हुआ, करवा कुछ रहे थे कि इसको यहाँ से निकलवाने के लिए, हो कुछ और गया. ही वॉन्टेड टू सी हिज फ्रेंड बैक एज द चीफ प्रीस्ट एंड इट रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ केशव फ्रॉम द पोस्ट. उसका क्या था, अपने फ्रेंड को चीफ प्रीस्ट बनाना चाहता था. अब जब ये तब होता जब वहाँ से केशव प्रीस्ट जो है चला जाता फ्रॉम द पोस्ट. सो ही मेड अ विकेड प्लान बन सके. दोबारा से एक शैतानी प्लानिंग करते हैं. विष्णु सेंट फॉर केशव एंड ऑर्डर्ड हिम. फिर उसके पास जाता है प्रीस्ट के पास और क्या ऑर्डर देता है मंत्री, एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट टुनाइट. आज जो है रात की स्ट्राइक, आज रात में स्ट्राइक में यू शैल एंटर द किंग्स चैम्बर एंड ड्रैग हिम आउट ऑफ हिज चैम्बर फोर्सफुली. तुम राजा के रूम में जाओगे और उन्हें बुरी तरह खींचोगे वहाँ से. केशव वाज वेरी एंग्जियस. वो बहुत ही थोड़ा एंग्जियस हुआ, परेशान हो गया. फर्स्ट टाइम द लेडी लक ही हैड स्माइल्ड ऑन हिम. पिछली बार तो किस्मत से वो बच गया था. इट मे नॉट हैपन अगेन. दोबारा से ऐसा नहीं होगा. आई कुड लीड टू हिज डेथ. अब क्या होगा, डेथ की पनिशमेंट मिलेगी अगर मैं ऐसा करूँगा. बट ही डिसाइडेड टू कीप हिज वर्ड. लेकिन वो प्रॉमिस अपना पूरा करता है, क्योंकि उसने उससे विष्णु से प्रॉमिस किया था कि जैसा वो करेगा वो वैसे ही उसका ऑर्डर मानेगा. एट द बेल स्ट्रक 12 एट मिडनाइट. जैसे ही 12 बजते हैं रात के, तो उसको ये काम करना था. केशव वॉक्ड इनटू द किंग्स चैम्बर. राजा के चैम्बर में यानी रूम में जाता है. द गार्ड पोस्टेड देयर हैड नो करेज टू स्टॉप हिम. किसी में हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की, क्योंकि वो तो रॉयल प्रीस्ट बन गया था. ही फोर्सफुली कॉट द किंग्स हैंड एंड ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द चैम्बर. बुरी तरह से जबरदस्ती राजा का हाथ पकड़ के उसे खींच के बाहर लाता है. द किंग कुड हार्डली कंट्रोल वॉट केशव वॉन्टेड. किंग मुश्किल से समझ ही नहीं पाता कि ये केशव क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है. बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनी थिंग. वो कुछ भी समझ पाता, ही हैड ऑलरेडी बीन ड्रैग्ड आउट. वो इससे पहले उसे बाहर खींच लाता है रूम से. द गार्ड वॉज अलार्म्ड. गार्ड भी थोड़े अलार्म्ड हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं. ही हैड ऑलरेडी ड्रॉन हिज सोर्ड एंड वेटेड फॉर द किंग्स ऑर्डर. वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं, सिर्फ किंग के ऑर्डर की इंतजार करते हैं, कब ऑर्डर दें और कब हम इस प्रीस्ट को मार दें. एंड लो मिरेकल अकर्ड. और फिर एक चमत्कार होता है. द रूफ ऑफ द किंग्स चैम्बर केम क्रैशिंग डाउन. राजा के रूम की जो रूफ थी, छत थी, वो क्रैक होने लगती है और नीचे गिर जाती है. द किंग वाज श्योर टू बी क्रस्ट अंडर इट इट हैड बी स्टेड एनी लॉन्गर देयर. अगर राजा रूम से न निकला होता तो वो जरूर उसके नीचे दबके मर जाता. यू कैन इमेजिन वॉट किंग राजेंद्र माइट हैव डन टू केशव. आप इमेजिन कर सकते हो अब राजेंद्र किंग ने क्या किया होगा उसके लिए. उसने तो राजा की जिंदगी बचा ली. ही रिवार्डेड हिम हैंडसमली एंड ऑर्डर्ड दैट नो इम्पॉर्टेंट डिसीजन शुड बी टेकन विदाउट हैविंग कंसल्ट विद हिम. अब ये
डिसीजन रिवार्ड दिया गया कि उसको कि बिना उसकी अनुमति के, बिना उसकी इम्पोर्टेंट कोई भी डिसीजन बिना उसकी अनुमति से ना लिया जाए, यानी हर बात में उसकी परमिशन मांगी जाए। विष्णु पावर हैड बीन कर्टेल्ड बाई दिस फैक्ट। अब उसकी पावर भी कम हो गई थी विष्णु की, मंत्री की उसकी, वही ही वॉज फ्यूरियस, बहुत गुस्सा हो गया मंत्री जो था। ही वॉन्टेड टू अनलीस हिज वेगिनेंस एंड एन आइडिया क्रॉप्ड अप हिज माइंड। अब फिर से उसके माइंड में एक आइडिया आता है, किसके माइंड में, मंत्री के माइंड में फिर से एक आइडिया आता है उसको प्रिस्ट को भगाने का। ही वॉज एट गुड टर्म्स विद द क्वीन, उस क्वीन से उसकी अच्छी रिलेशंस थे, सो ही डिसाइडेड टू टेक इट्स एडवाइस, तो इसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है। ही सेड आई डाउट दैट केशव इज ओनली फॉर्चुनेट टू हैव बीन बेस्टोड अपॉन द मैनी आर्ट्स। वो क्या कहता है कि रानी से कि उसके पास कुछ फॉर्चुनेट लक उसका उसके कई घंटों तक साथ देता है। टू मेक ही डज नॉट सीम टू बी अ वाइज मैन एट ऑल, उसके बाद कोई बुद्धिमान आदमी वो नहीं रहता है, कोई भी अच्छी बातें वो नहीं कर सकता है। आई विश, यानी मेरी ये विश है, दैट यू शुड टेस्ट हिम, कि आपको उसका, रानी से कहता है कि आपको उसका टेस्ट लेना चाहिए। द क्वीन एग्री टू द प्रपोजल, रानी जो है उसके प्रपोजल के लिए एग्री हो जाती है, तैयार हो जाती है कि ठीक है, एज देयर वॉज नो हार्म इन इट, इसमें कहती है ठीक है मैं चेक करके देखती हूँ उसके बाद कुछ घंटों के बाद भी वो वाइज रहता है या नहीं, तो इसमें कौन सा किसी का नुकसान है, रानी एग्री हो जाती है। आई हैव कम्प्लीटेड दिस पेज टुडे, नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।